हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कलर्स टैरेट 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं कन्या राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ दिसंबर कन्या राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे विर्गो क्या आ रहा है मिड ऑफ दिसंबर। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, ग्रेट, बड़ी पैशनेट वे में रीस्टार्ट कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का आना शो करता है कि इन 10 दिन में सबसे पहले ना आपकी एनर्जीज काफ़ी बिजी लग रही हैं, मतलब समय ही नहीं रहेगा टाइम वेस्ट करने का। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का आना आपकी एम्बिशियस पर्सनैलिटी को शो करता है। कुछ लोग ना अभी अभी अपने करियर साइड ना ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं, आपको ऐसा मेंटल लेवल पे थॉट चल रहा है कि आपको ज़्यादा पैसे कमाना है या आपको मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना है, ग्रो करना है लाइफ में, टॉप ऑफ द पोजिशन पहुँचना है, ये माइंड सेट आपका चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। अब अगर मैं लव लाइफ की बताऊँ ना, तो लव लाइफ में ये कार्ड मैसेज देता है कि कोई पर्सन आपके साइड पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं और मूव हो रहे हैं, ये आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। ये आपके एक्शन ओरिएंटेड मोड का कार्ड है, तो आपके पर्सन भी एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके साइड और आप तो एक्शन ले ही रहे हो अपने लाइफ में। जो अभी तक आप एक डल मोड में चल रहे थे, निगेटिव एनर्जीज को एंटरटेन कर रहे थे या अपने कम्फर्ट जोन में चल रहे थे, लेजी एनर्जी में चल रहे थे ना, तो वहीं ये कार्ड बता रहा है आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। आपको जो चीज़ अचीव करनी है आप उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो चुके हैं। कुछ लोग ना यहाँ परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन आपको भी पता है कि परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है, थोड़े बहुत फ्लॉज कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, एकदम चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी लेकिन ग्रो तो करेंगी, धीरे धीरे चीज़ें वर्कआउट होती हैं एक्चुअली, है ना। सिचुएशंस में चेंजेस आने का कार्ड है, ठीक है। क्विक थिंकिंग का कार्ड भी माना जाता है, तो हो सकता है कि इन 10 दिन में आपको कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ सके या इंस्टेंट आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके साइड आ रही है जो आपने पहले सोची थी और अचानक से वो आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएगी और इंस्टेंट आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है। तो सिचुएशंस को हैंडल करना आपको आना चाहिए और आपके पर्सन की एनर्जीज तो दिख ही रही हैं कि वो आगे आके ना आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी आपको दें वो इन 10 दिन में। देख रहे हो क्या, तो भी कार्ड आ गया थ्री ऑफ स्वॉर्ड, ये तो आना ही था। थ्री ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में सबसे पहले किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, जो आपके लाइफ में ना आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था ना, तो आप देख रहे हो ये पर्सन इससे दूर जा रहा है। तो आपके पर्सन अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रख रहे थे, थर्ड पर्सन की एनर्जीज में इन्वॉल्वमेंट रख रहे थे ना, वो उस चीज़ से दूर जा रहे हैं और आपके साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड मीन्स डिप्रेसिंग मूड, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग करना, टेंशन में चल रहा, तो इन सारी चीज़ों में आप हील हो रहे हो। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि बता रहा है कि पिछले 3 साल से आप अपने करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली मेहनत करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, फेलियर्स। इन रिटर्न क्या मिल रहा है, थर्ड पर्सन। तो समझ रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप करियर में चेंज आएगा, इस चीज़ से आप हील होगे और आगे बढ़ोगे, यही कार्ड आपको आगे बढ़ने को बता रहा है। और कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे हैं, तो ऐसा ना करें। और मैं कुछ एक बात बोलूं, आप इस सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए हैं, तो अब आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन आपकी लाइफ से जा रहा है, आप अकेले काफ़ी है लाइफ को लीड करने के लिए, और वही चीज़ आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा। देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आ गया, लक आपके फेवर में काम कर रहा है, फॉर्च्यून आपके फेवर में चल रहा है, टाइम मैनेजमेंट आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज आप गैदर कर पाओगे इन 10 दिन में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज के आने को भी शो करता है, तो इन 10 दिन में आपकी अनप्लान्ड या प्लान्ड आप कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है। कुछ लोगों के ना यहाँ पे इन 10 दिन में एक टर्निंग पॉइंट वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं, कुछ टर्निंग पॉइंट आप देख सकते हो, ओके। ये कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ वेलकमिंग चेंज जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो आप गैदर कर पाओगे। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रांग रहेंगी, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि ये
10 नंबर का कार्ड है और 10 डेज की रीडिंग चल रही है ना, तो ये 10 दिन आपके लकी रह सकते हैं, आपके फेवरेबल में कुछ ऐसे काम बन सकते हैं जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। जो भी काम करोगे वो आपके सक्सेसफुल मोड में जाएंगे। फिर देख रहे हो यहाँ पे कुछ बुक्स भी प्रेजेंट है, तो अगर आप स्टडी भी कर रहे होगे, अगर आपके कुछ एग्जाम्स भी होंगे ना, तो उसमें आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, आपकी करियर, आपके बिजनेस में ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी के चांसेस बन रहे हैं। और मैंने बोला ना 360 डिग्री चेंज आना आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। फाइनली ये जो निगेटिव मोड चला आ रहा है, पेनफुल सिचुएशन चली आ रही है ना, इसी में ट्रांजिशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। और निगेटिव लोग अगर आपके सराउंडिंग में होंगे ना, वो रिलीज हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, अभी भी पास्ट एनर्जीज में फंसे पड़े हुए हैं। आपको यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कप्स भी यूनिवर्स ने दे रखे हैं, आप चाहें तो पल भर में इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप क्या सोच रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ था, आपके पर्सन ने आपको निगेटिविटी दी थी, आप मेहनत करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, बाकी लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप क्यों डिग्रेड हो रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्यों सोचना, उनसे आप क्या लाइफ लेसन लिया और आगे बढ़िए। जैसे आप बढ़ोगे तभी ट्रांजिशन आएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी आप कंफर्ट जोन में चलते रहें, अभी भी आप अपने आप को निगेटिव मोड में ले जा रहे हैं, तो उससे कोई सेंस नहीं बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लो ग्रेड ही कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो कोशिश करिए विरगोस कि आप इस टेंशन भरे एटमोसफियर से बाहर आ सकें, अपने आप को एक रिलैक्सिंग मोड में लेके जाइए। चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं ज़रूर, आपको अभी नज़र नहीं आ रही हैं विरगो। देन यहाँ पे स्टार, आपकी विशेज, आपकी डिज़ायर्स काफ़ी बड़ी, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हो, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपका अभी अभी ऐसे कुछ माइंडसेट बन गया है कि आप टॉप ऑफ द पोजीशन रहें, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाएं, तो वही एक कार्ड बता रहे हैं आप ज़रूर पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन पे। आपके पर्सन के इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे दो कप्स प्रेजेंट है, तो एक आपका है तो आप एक आपके पर्सन का है। दोनों एनर्जीज दिख रही है कि रीयूनाइट होने वाली, दोनों एनर्जीज दिख रही है एक दूसरे के लिए न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हो। लेकिन वो कब होगा, जब आप इस एनर्जी से हील हो पाओगे, इस एनर्जी से बाहर आ पाओगे, लाइफ में चेंज लाओगे, अपने ऊपर काम करोगे, तब ये स्टार वाली एनर्जी वर्क होती है। ठीक है, लास्ट कार्ड देखते हैं मेरे को, तो भी कार्ड आ गया 9 of Swords। ये टेंशन पता क्या है, इस चीज में फंसे हुए हैं 5 of Wands। या तो कुछ लोगों की एनर्जीज आपको पकड़ के बैठ गई है, अपने पर्सन की जो निगेटिव माइंडसेट आपको लेके रहा है उसके बारे में आप सोच रहे हो, तभी आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकलती हैं। या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, अपने पर्सन की भी, अपने फैमिली मेम्बर्स की भी, और आपकी भी स्वयं पर्सनल। तो पिछले कुछ समय से अगर आपको किसी चीज़ का रिग्रेट चला आ रहा है ना विरगोस, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। और अगर आप आइसोलेशन वाले मूड में चल रहे हो, ये कार्ड तो बता ही रहा है कि आपको ज़्यादा किसी से सोशलाइज होना अच्छा नहीं लगता है, या आपकी जो इंटरनल चीज़ें होती है, मीन्स आपके कोई पर्सनल टॉपिक्स होते हैं, आपकी लव लाइफ हो गया, आपका करियर हो गया, आपकी फैमिली हो गई, तो वो एनर्जीज ना आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, और नहीं आपको अच्छा लगता है शेयर करना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन में रहना पसंद करते हो। बट अच्छी बात है, लेकिन इन 10 दिन में दिख रहा है कि आप आगे आके कोई स्टेप लोगे। ठीक है, कुछ नाइटमेयर्स की भी दिक्कत चल रही है ना, तो वो नाइटमेयर्स वाली एनर्जीज रिलीज होंगी। ठीक है, और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उनकी भी एक स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 Swords प्रेजेंट है, तो यहाँ 9 Swords प्रेजेंट है। 3 to 9 की एनर्जीज आ गई, जस्ट ट्रिपल वे में टेंशंस का इंक्रीज होना आपके पर्सन का, समझ रहे हो। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया है ना इस थर्ड पर्सन से रिलेटेड, वही उनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ले जा गई हैं। तभी वो हील होना चाह रहे हैं, तभी वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 8 of Cups, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप इस चीज़ से मूव ऑन कर पाओगे, आपके पर्सन भी मूव ऑन करोगे, और आप दोनों एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। करियर में आपने जो फेलियर्स देखे हैं, हेडेक देखा है, टेंशंस देखी है ना, उसको आप रिलीज़ करोगे, मे बी किसी नए करियर में भी एंटर हो सकते हैं, किसी नई जॉब में भी जा सकते हैं। कि फिर कोर्स अच्छे कार्ड हैं, लेकिन अपने ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड आ गया है दी एंड। दी एंड किस चीज़ का हो रहा है, आपकी टेंशंस का। यहाँ लिखा है एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, सारी चीज़ों को एक ना एक दिन एंड तो होना ही है। एक साइकिल चलती रहती है, तभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया आपके लिए।
आज निगेटिविटी है तो कल पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी ही, और आज पॉजिटिविटी है तो कल आपको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो झेलनी ही पड़ेगी। तो वही चीज़ ये साइकिल की तरह चलती रहती है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। भगवान या यूनिवर्स आपको कंटिन्यूसली परेशान नहीं रख सकते हैं। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस बनाना शुरू करिए। समय दीजिए स्पिरिचुअलिटी को भी, है ना, तभी चीज़ें वर्कआउट होती हैं। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो दिख ही रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज के आप कितना ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो। आपने अपनी हेल्थ डाउन करके रखी है, आप अपनी बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो ना, तो उसमें रिकवरी आ रही है। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्री स्पिरिट, तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे और आपकी जो फियर वाली एनर्जीज थी उसको रिलीज कर रहे हो, पॉजिटिव ऑरा अपने चारों ओर बना रहे हैं। मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। द फेस्टिवल, तो इन 10 दिन में आप कोई पार्टी कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं और कुछ फेस्टिविटीज वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं, तो आपको एक फन लविंग एनर्जी में रहोगे, इंजॉय कर रहे हो, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, कोई बर्थडे पार्टी भी आप अटेंड कर सकते हो, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है, फन लविंग एनर्जीज दिख रही हैं। तो आई होप फिर वो उसकी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।